हाय, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंजली दत्ता, सीईओ ऑफ आरोग्य फाउंडेशन, और आप मुझे सुन रहे हैं बिग एफएम पर। सीईओ ऑफ आरोग्य फाउंडेशन, देखिए यंग सीईओज की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन ये वाली यंग सीईओ बहुत अलग है क्योंकि इनकी स्टोरी सक्सेस से नहीं शुरू हुई थी। मतलब कि हाँ, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे इस मैगजीन में नाम चाहिए, उधर नाम चाहिए, ये नहीं था इनका इरादा। इनका इरादा बस यही था कि अब डॉक्टर हैं तो ये देखकर कि जिनके पास पैसा है उनके पास फिर भी काफी सहूलियत और अवेयरनेस है। असल प्रॉब्लम तो आती है गाँव में, जहाँ लोगों को पता ही नहीं कि वो क्यों बीमार पड़ रहे हैं या बीमार पड़ सकते हैं। सो वहां से एंड कहीं ना कहीं एक पर्सनल रीजन भी रहा जिसकी वजह से आपने आरोग्य की शुरुआत की। सो मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये प्रियंजली दत्ता, डॉक्टर प्रियंजली दत्ता आरोग्य के साथ इंडिया में कैंसर की जो तादाद पिछले कुछ सालों में बढ़ रही है वो कम हो, इसकी अवेयरनेस घर घर, लिटरली घर घर जाकर देती हैं लोगों को और समझाती हैं, स्पेशली फीमेल्स को ये एजुकेट करती हैं, अवेयर करती हैं। सो इतना मैं आपके बारे में जानती हूँ और मुझे क्या जानना जरूरी है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। श्योर, आपने बहुत सही बोला कि हम लोग घर घर जाके अवेयरनेस फैलाते हैं। उसके अलावा हम जो करते हैं, 3 कॉमन कैंसर्स हैं विमेन में जो उनको बहुत, दे आर नॉकिंग द डोर्स, वो उनके घर के सामने आ चुकी है। एंड दीज आर ब्रेस्ट, सर्वाइकल एंड ओरल कैंसर। तो द प्रॉब्लम इज कि पहले हम सिर्फ अवेयरनेस करते थे, अब हम स्क्रीनिंग भी करते हैं डोर टू डोर, ताकि उस लेडी को ऑन द स्पॉट पता चल सके कि उसको उसका रिस्क है कि नहीं, और वो उसी वक्त एक्शन ले सके हमारे साथ कि आगे प्रोसीजर क्या करना है, कैसे डायग्नोसिस करना है, एटसेट्रा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हमने ऐड किया है विद अवेयरनेस, एंड ये हम करते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जिसका नाम है माय हेल्थ लाइन। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोबाइल एप्लीकेशन हमने डेवलप की है। तो ये हमारा काम है पिछले 4 सालों से। ओके, सो ना सिर्फ अवेयरनेस बल्कि आप स्क्रीनिंग भी करती है। वाह, वंडरफुल। अच्छा, मैंने देखा है, मैंने स्लम्स में देखा है, मैंने गाँव में देखा है, एक छोटा सा तंबू लगाकर 4 लोग बैठते हैं एक मेज पर, लोगों को रोकते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, जो जिसके पास मतलब जल्दी नहीं है वो रुक गया, लेकिन रुक कर सुनना और समझना एंड देन उसे सिंक करना, ये एक अलग प्रोसीजर है। आप घर घर जाती हैं, तो आगे मैं आपको एक सिचुएशन दूंगी। सपोज आप किसी एक गांव के एक ऐसे परिवार में, जैसे आप अंदर कौन निकलेगा घर से, यू डोंट नो, और उसे कन्विंस करना है आपको कि देखिए कैंसर हो सकता है, आपको इसके बारे में बात करनी जरूरी है। क्या होता है आगे ये जानेंगे प्रियंजली से आपसे बस कुछ ही देर में। कैंसर दरवाजे पर दस्तक ना दे, उससे अच्छा है कि हमारे ये आरोग्य वाले डॉक्टर प्रियंजली दत्ता और उनकी टीम आपके दरवाजे पर दस्तक दे और आपको उसके आने से पहले ही बता दे कि शायद वो आ सकता है। यही अवेयरनेस, इसी तरह का काम कर रही हैं प्रियंजली, जो आज की मेरी बंदी है और इस बंदी में वाकई है दम। तो देखिए कितने दमदार तरीके से कन्विंस कर पाती हैं औरतों को कि सुनो, कैंसर के बारे में सुनो। तो एक सिचुएशन है प्रियंजली, आपने नॉक किया, दरवाजा खोला और बाहर निकली है एक 45 साल की महिला। अब आप कन्विंस कीजिए। ओके, सबसे पहले तो हम उनको हाथ जोड़कर बोलते हैं, अम्मा जी आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है सब कुछ, घर पे सब ठीक है कि नहीं, आपके घुटनों में दर्द है क्या। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी से, हमेशा ये पूछते हैं क्योंकि हर किसी के घुटनों में दर्द तो है ही। हमारे इंडिया में विटामिन डी की कमी सबको है, तो उसको वो इंस्टेंटली हमारे साथ कनेक्ट करती कि अच्छा ये बच्ची तो पूछ रही है मेरे बारे में जो मुझे कोई नहीं पूछता और मुझे रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है। देन वी टेल देम कि क्या हम अंदर आके आपके साथ बैठ सकते हैं, हमें आपसे कुछ बात करनी है। एंड जैसे ही हम उनसे बोलते हैं अंदर आके बात करते हैं, जो मेल पॉपुलेशन है उनके घर का, वो उनकी आंखें ऐसे बड़ी हो जाती है कि क्या बात करनी है इनको, ये फिर से कोई शहर से लोग आ गए हैं क्या, इनको हमसे कुछ ना कुछ, इनको हमसे फायदा चाहिए, कुछ बेचने आए हैं, कुछ करने आए हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस द फैमिली मोर देन द लेडी, बिकॉज लेडी जो है वो रिलेट कर पाती है अपने प्रॉब्लम से, लेकिन जो फैमिली है वो बहुत सस्पिशियस होती है। फिर हम सीधे कैंसर से शुरुआत नहीं करते, हम उन्हें बहुत बहुत जनरल हेल्थ के बारे में पूछते हैं। उनको उस तरफ ले जाते हैं कि आप खान पान कैसा है, आपकी हाइजीन कैसी है, टॉयलेट आप कैसा इस्तेमाल करते हैं, आपके स्तन में कभी कोई गांठ आपको लगी है क्या, एंड दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स हर औरत के साथ होता है एट वन स्टेज ऑफ लाइफ. तो दे स्टार्ट कनेक्टिंग विद अस, वो हमारे साथ कनेक्ट कर पाते हैं एंड देन वी गो टू द हार्ड क्वेश्चंस. तो उनको कंफर्ट जोन में लाना बहुत जरूरी है. आप क्या मांगना चाहती हैं सरकार से, लोगों से क्या? मैं ना बहुत मुफट हूँ, मैं जब मांगती हूँ तो लोग थोड़े से कांप जाते हैं कि ये क्या ही मांग रहे, दिस इज इम्पॉसिबल. बट मैं ये मांगती हूँ कि लोग सोशल सेक्टर को एक नॉन प्रॉफिट जिस तरीके से इंडिया में देखा जाता है उसको देखना बंद करें. सबसे पहले तो चैरिटी, अपनी हेल्थ को चैरिटी समझना बंद करें और सरकार हेल्थ पे फोकस करे, क्योंकि एक पैंडेमिक आके पूरी वर्ल्ड को हिला चुका है. और जो हमारे टेक्नोलॉजी है, अभी ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, उसको वैल्यू और करना बहुत जरूरी है हेल्थ केयर की तरफ, क्योंकि हमारा सबसे प्राउड मोमेंट ये है कि आरोग्य अब अफ्रीका में भी लॉन्च हो रहा है. उसको फंड किया है यूके गवर्नमेंट, फिक्की, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया, USAID, फेसबुक, मारिको, इन लोगों ने फंड किया है. और इनको विश्वास है कि इंडिया के इनोवेशन पे, इंडिया के टेक्नोलॉजी इनोवेशन को आप बाहर कहीं ले जाकर भी यूज कर सकते हो. तो इंडिया को अपने ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है. और द लार्जर विजन इज कि हम कैंसर को फर्स्ट स्टेज पे रोक सके, एटलीस्ट सेकेंड स्टेज पे, वेमेन के लिए स्पेशली. जैसे हम टूथब्रश, हम ब्रश करते हैं, वैसे ही कैंसर की अवेयरनेस और स्क्रीनिंग उस बेसिक लेवल पे जानी चाहिए. इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इट्स हाई टाइम दैट वी डू दैट. इट इज एंड आई एम श्योर ये जो भी इंटरव्यू देखेंगे या जो सुन रहे हैं वो लोग, स्पेशली वो जिन्होंने कैंसर की वजह से किसी को खोया है, दे कैन रियली अंडरस्टैंड कि हाँ ये अब बहुत जरूरी हो गया है. थोड़ा लाइट करते हैं शो का मूड. कुछ सरप्राइज, कुछ इंसिडेंट्स बताओ ना, कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट कि एक बार तो ऐसा हुआ था, जैसे एक आपने शेयर किया, और कुछ में भी हैप्पी और सरप्राइजिंग, कुछ तो ऐसा सरप्राइजिंग. तो बहुत सरप्राइजिंग था, हम एक गांव में गए थे, उसका नाम है मिलाना, उत्तर प्रदेश में है वो, और वहाँ पे इट्स कम्प्लीटली अ मुस्लिम डोमिनेटेड विलेज. तो हम ये परसेप्शन लेके गए थे कि वहाँ पे हमें मुश्किल होगा, बिकॉज मे बी वुमेन विल नॉट बी, आई एम नॉट, मैं किसी को ब्रैकेट में नहीं डाल रही हूँ, मैं कोई जजमेंट नहीं दे रही, बट वी थॉट इट मे बी डिफिकल्ट. तो वहां पे हमें लगा कि औरतों से बात करना, उनके साथ एक्सेस करना मुश्किल होगा. जब हम वहां पहुंचे तो इट वाज सो हार्ट वार्मिंग और इतना वेलकमिंग था वो पूरा कम्युनिटी. और वहाँ की जो औरतें थी, स्पेशली जो अम्माएं थी, मतलब 45 years एंड अबव, 50 years एंड अबव स्पेशली, वो सब हुक्का पीने में मस्त एकदम बिजी, और बहुत वेलकमिंग थी. और उनको इतना घुटनों में और ये कमर में दर्द, ये तो हमारा मतलब जादू है कि वी जस्ट बॉन्ड ओवर दीज टू फैक्टर्स. उन्होंने सारे क्वेश्चन के आंसर्स ऐसे दिए, ऐसा लग रहा था कि इसी गांव में हमें मतलब सक्सेस स्टोरी मिल जाएगी सारी, और मिली भी. तो हम ये सोच के गए थे कि ओल्ड वुमेन विल नॉट टॉक टू अस, they will be too shy, but वो अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं और उन्होंने इतना प्रॉब्लम फेस किया, इतने बच्चे हैं उनके, कि उनको लगा नहीं, now finally I might get a solution, I might get some relief from my pain. That was very surprising. So you're saying कि 28 to 35 ये एक ब्रैकेट है जिसे ऐसा लगता है कि उसे कुछ नहीं होगा. 26 के बाद, 27 के बाद से फिर भी वी हैव नोटिस्ड इन फील्ड की लोगों को लगने लग जाता है. आजकल लाइफस्टाइल इतनी खराब हो गई है, सिटीज में हमें ज्यादा देखने को मिला है, गांव में फिर भी हेल्दी है लाइफस्टाइल, बहुत हेल्दी है. लेकिन उसके नीचे जो यंग गर्ल्स है, क्योंकि वो अपने बॉडी में कोई चेंजेस इतना मेजर देख नहीं पाती, दे आर हेल्दी, तो उनके साथ इंटरेक्शन थोड़ा मुश्किल होता है. सबसे स्कैरी ब्रैकेट कौन सा है जिस पर वाकई काम करना बहुत जरूरी है? Teenagers? I thought आप old age बोलेंगी मुझे. Teenagers? How? Teenagers जो है, सबसे पहले तो स्पेशली इन villages, चाहे वो कोई भी विलेज हो या स्लम भी हो, दे आर टू शाई टू टॉक टू. और उनके ग्रोइंग एज में जो उनके प्राइवेट एरियाज ग्रो होते हैं उसमें क्या सिम्टम्स उन्हें नोटिस करना चाहिए, और इंडिया में कैंसर यंग एज में भी बहुत ज्यादा होने लगा है रिसेंटली, उस चीज के बारे में बात करना, उस टबू को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल टू स्पीक अपने पापा के सामने, भाई के सामने, या किसी स्ट्रेंजर से. तो जब तक ये चीज स्कूल में नहीं आएगी या वो खुद स्कूल नहीं जाएंगे, ये भी एक मेजर इशू है, वो टबू ब्रेक करना बहुत मुश्किल है. मेंस्ट्रुएशन तक का नाम सुन के वो मतलब ऑलमोस्ट अनदेखा देते हैं. तो दैट्स द ग्राउंड रियलिटी, दे आर टफ टू वर्क विद. और जब तक हम उन्हें नहीं सेव करेंगे, हमारा फ्यूचर ठीक नहीं होगा, आगे के केसेस और बढ़ते रहेंगे. तो परेशानी तो देखिए पेड़ की झाड़ की तरह ना किधर किधर से निकल रही, लेकिन कम से कम आपने एक डाली तो पकड़ी. एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. खुश रहिए प्रियंजली हमेशा. थैंक यू सो मच. थैंक यू रानी. थैंक यू. बाय बाय बाय. 92.7 Big FM.